जनाब ये है शेरा भाई का, शेरा दिल पसंद के नाम से ये छोटा सा फूड कार्ट है, लेकिन छोटा ज़रूर है ये फूड कार्ट, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनके मशहूर हैं वो फ्राइज़ हैं, लेकिन फ्राइज़ की शोहरत को देखते हुए इन्होंने इन चीज़ों का इजाफा किया था। ये देखिए जिंगर क्रिस्पी रोल है, जूनियर जिंगर है, जिंगर रोल है, जिंगर जंबो बर्गर है, चिकन चीज़ फ्राइज़ भी जनाब ये फरोख कर रहे हैं शेरा भाई, चीज़ फ्राइज़, मसाला फ्राइज़ और ना जाने क्या क्या है। ये हैं वो शख्सियत जो इस वक्त मॉल कॉलोनी की फूड स्ट्रीट पर लोगों को एक जायकेदार और कम कीमत में जो है वो अशिया फरोख कर रहे हैं, जिसमें फ्राइज़ हैं और जो जो नाम मैंने आपको बता दिए थे। शेरा भाई से आप बात करते हैं जनाब। ये हम इनके फूड कार्ट के अंदर वाले हिस्से में जा रहे हैं, एक शॉप है, शॉप के आगे इन्होंने फूड कार्ट लगाया हुआ है और मुस्तकिल मसरूफ़ रहते हैं। जब हम शूट कर रहे थे तो हमने भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ये मसरूफ़ रहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी इनके पास, ये आप देख लें जो पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पर, रश रहता है। और ये माशाल्लाह मौसम एक मरतबा दोबारा कराची का सर्द हो चुका है, तो इस वक्त भी जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पर और शेरा भाई भी मसरूफ़ है, कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। अच्छा जी, शेरा भाई ने थोड़ा सा टाइम हमें दिया है, शेरा भाई थोड़ा सा बताइएगा कि ये फूड कार्ट का कैसे जहन में आया है। सुना प्राइस बड़े मशहूर हैं, लेकिन आपने दीगर आइटम जो डाले हैं उसकी क्या वजह थी? दीगर बर्गर वगैरह इसके साथ, पहले तो मैं फ्राइज बेचता, फ्राइज के बाद फिर मैंने दीगर लगाना शुरू किया। अच्छा, इस वक्त आपका जो है वो जो जिंगर बर्गर है, खास तौर पर जो जूनियर जिंगर है, वो सुनने में आ रहा है कि पूरे स्मॉल कॉलोनी की फूड स्ट्रीट में कोई भी इस कीमत में फरोख नहीं कर रहा है, जरा हमारे व्यूवर्स को तो बताएं क्या कीमत दे रखी है जिसकी बड़ी धूम मची हुई है? 200 रुपए का जूनियर बर्गर। 200 रुपए का जिंगर दे रहे हैं आप? भाई कैसे दे रहे हैं, क्या मुर्गी का ही दे रहे हैं ना कोई और? अच्छा, मतलब ये कोई आके अगर चेक वेक कर ले तो कोई इशू तो नहीं है, कोई डर घर घबराना तो नहीं है कोई? डेली मैं 3-4 किलो लाता हूँ, बनाता हूँ, जो चलता है। अच्छा, वो चल जाता। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो है वो जूनियर जिंगर भी कोई 350-400 रुपए से कम नहीं है, तो आपके बारे में आ जाता है, पूरा हो जाता है? मैं खुद काटता हूँ, मैंने काम किया ही, पहले मैंने रेस्टोरेंट में खुद काम किया था। अच्छा, रेस्टोरेंट में बाकायदा काम करके। अच्छा जनाब, ये राज आपको पता लग गया होगा, शेरा भाई माशाल्लाह एक रेस्टोरेंट में काम करके, सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने कारोबार पर यहाँ पर जो है वो तवज्जो दी और अल्लाह ताला ने इनके इस काम में बरकत भी दी है और बड़े मोहब्बत का। शेरा भाई, नाम आपका लोगों ने रखा है या पहले से था, ये नाम कैसा? चिप्स से जो है नाम थोड़ा सा बड़ा है इसमें, पहले मैं चिप्स ज़्यादा लगा था तो ज़्यादा चिप्स के नाम से, मेरा शेरा के नाम से मशहूर हुआ। अच्छा अच्छा जी, शेरा भाई कह रहे हैं जी चिप्स लगाते थे ये, और हम इनसे बातें भी करते रहेंगे, ये अपने काम में मसरूफ़ है, देखें ये प्राइस जल ना जाए। और इसके साथ साथ आप वो देखते रहें कि जनाब इन्होंने ख़ास तौर पर इनके आगे भी अंदर किचन में भी लेके जाते हैं, और तेल मैंने खुद जो है वो देखा है कि एक अच्छी क्वालिटी का है, चाहे आप जो है वो यहाँ पर रोल पराठा बनवा रहे हों या जो है वो कोई और चीज़ यहाँ पर आप तलवा रहे हों। तो जनाब ये अंदरूनी हिस्से में हम आ चुके हैं और ये इस वक्त रोल पराठे के लिए पराठों की तैयारी का मरहला जारी है, यहाँ पर ये भाई भी जो है वो पराठे तैयार कर रहे हैं और ये गालिबन जो है वो इस वक्त चिकन की बोटियाँ यहाँ पर डाली जा रही हैं और मसाले में भरपूर लिपटी हुई है। ये आ गई जनाब प्याज, और प्याज के साथ ये आ गई ग्रीन चटनी, वाह वाह ज़बरदस्त भाई। अब ये आ रहा है भाई मायोनीज़, और मैं तो बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर ये शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वहाँ पर वो जो छोटा उस्ताद है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गालिबन सिंगर बर्गर की पेटी का बस इंतज़ार है और ये सिंगर बर्गर तैयार होने जा रहा है। ये देखिए ऑयल आप देख सकते हैं जी, ऑयल मैं आपको वीडियो में भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी भी येलो है, जल जल के काला नहीं हुआ है, और यही उन्होंने कहा है कि क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करते, तो यही वजह है कि इस फूड स्ट्रीट में ही अपना नाम बनाने में कामयाब हुए हैं, पिछले 12-13 साल से ये कार्ट ये जहाँ पर चला रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए जो है वो फ्राइज़ से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं, और फ्राइज़ एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सस्ती है। अंकल आपको मैं देख रहा था, बड़ी देर से आप खड़े हुए थे, नंबर आ गया आपका, फ्राइज़ मिल गए आपको, क्या कहेंगे शेरा भाई के इस कार्ट के बारे में? क्या क्या खास बात है, कुछ मिलाते हैं ये चिप्स में? टेस्ट है माशाल्लाह। अच्छा, क्वालिटी है, टेस्ट है, और आइटम भी रखे हुए इन्होंने कम कीमत में। कम कीमत में सभी तकरीबन माशाल्लाह सभी सही है। चलें जी, आप लोग अपने फ्राइज से लुत्फानंदोज़ हों। यार जमाने भाई, आप लोग ये जादू के हैं।
अच्छा 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 भाई, ये भाई आए हुए, अंकल बोल रहे दादू से, इनके मेहमान आए हुए अंदरूने सिंह से, और उनको ये स्पेशल ये फ्राइज खिलाने यहाँ पर लाए। जबरदस्त भाई, ये देखें वहाँ पर भी तैयारी जारी है, और रात में इस वक्त अच्छा खासा वक्त हो चुका है। यहाँ पर ये देखें, ये इस वक्त सिंगर तैयार हो चुका है जनाब, और पेटी देखें आप, बस कुछ नहीं देखें, पेटी देखें, और ये 200 रुपीज़ में भाई कौन दे रहा है सिंगर? तो मेरे ख्याल में जो मॉडल कॉलोनी की फूड स्ट्रीट वाले हैं ना, सबको शेरा ने दे दिया है, शेरा ने दे दिया बल्कि टक्कर।